जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम सर। जय श्री राधे। सर क्वेश्चन था, राधे राधे। मंगल स्विच था उसमें जी। बेटे की खुशी मनाना और मीठा बनाने के लिए क्यों मना किया जाता है सर? देखिए सर, एक चीज समझिए सबसे पहले, लाइक एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि इंसान है, इंसान इंसान ही रहेगा, पक्षी नहीं बन सकता, गाय भी नहीं बन सकता, ठीक है, शेर भी नहीं बन सकता, इंसान ही रहेगा। लेकिन जैसे कि आप अगर लाइक किसी पार्टी में हो तो एक नेचर चेंज हो जाएगा, एक तासीर चेंज हो जाएगी उस समय। अगर आप जैसे कि किसी लाइक हॉस्पिटल में हो तो वहां का एक वातावरण चेंज हो जाएगा, तासीर चेंज हो जाएगी, मतलब कि नेचर चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने ऑफिस पे हो तो नेचर चेंज हो जाएगा, तासीर चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही इंसान तो इंसान ही रहेगा, उसी तरीके से प्लेनेट जो है वो प्लेनेट ही रहेगा। आप भूल जाइए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर अच्छा होता है, कहाँ पर खराब होता है, ठीक है। अब जैसे कि सन है, सन कभी भी मून नहीं बन सकता, मून कभी भी सन नहीं बन सकता। सैटर्न है, सैटर्न कभी भी सन नहीं बन सकता, सैटर्न कभी भी चंद्रमा नहीं बन सकता, चंद्रमा जो है शनि नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी तासीर चेंज कर सकते हैं ये। जैसे कि अगर सन फर्स्ट हाउस में होगा तो अपनी तासीर चेंज कर लेगा, सेकंड हाउस में होगा तो अपनी तासीर चेंज कर लेगा, थर्ड हाउस में होगा तो तासीर चेंज कर लेगा, ठीक है। उसी उसे उसी अकॉर्डिंग जैसे कि इंसान है, हॉस्पिटल में है तो उसके मन के भाव अलग अलग चल रहे हैं, किसी लाइक किसी पार्टी में है तो मन के भाव अलग है, नेचर चेंज है उसी तरीके। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि मंगल सिक्स हाउस में बेटे की खुशी मनाने के लिए मना किया गया है, अब आप ये सोचिए कि मंगल सिक्स हाउस में है और सिक्स हाउस जो है वो बुध और केतु का घर है, ठीक है। मंगल का जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन मंगल सिक्स हाउस में है, सिक्स हाउस जो है वो बुध और केतु का घर है, तो यहाँ पर मंगल की तासीर चेंज हो गई। बुध जो है वो भी इसका शत्रु है और केतु जो है वो भी इसका शत्रु है। मंगल सिक्स हाउस वाले को बोला जाता है लाइक तरसी की औलाद। तरसी की औलाद का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को जैसे कि मन्नत मांगने के बाद में बेटा पैदा होता है, और अगर जैसे कि बेटा पैदा हो भी जाए तो किसी प्रकार की कोई भी हेल्थ इश्यू वगैरह लगी रहती है ऐसे व्यक्ति को। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मंगल जो है वो सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस जो है वो केतु का घर, दो मिनट के लिए हम बुध को भूल जाते हैं, सिक्स हाउस जो है वो केतु का घर, और केतु जो है वो बेटा, और मंगल जो है वो मीठा। अगर कुंडली वाला अपने बेटे के जन्मदिन पर मीठा बनाएगा, मीठा खाएगा और मीठा लाइके बांटेगा या खिलाएगा तो मंगल केतु का झगड़ा खड़ा हो जाएगा, और जैसे मंगल केतु का झगड़ा खड़ा हुआ वैसे ही कुंडली वाले के औलाद को ही दिक्कत आएगी, मतलब उसके बेटे के ऊपर तुरंत इफेक्ट आएगा, और तुरंत इफेक्ट आएगा लाइक फाइनेंशियली लॉस हो, और लाइक तुरंत ही हो एक दो दिन के अंदर, ये मंगल सिक्स हाउस। अब यहीं पर अगर अपन जैसे कि वो दूसरा पैंट बैठा लेते हैं, मंगल की जगह बैठा लीजिए जैसे कि शुक्र को बैठा लीजिए, इसकी तासीर समझिएगा सर। अगर हम शुक्र को बैठा लेते हैं सिक्स हाउस में, तो अगर जैसे शुक्र सिक्स हाउस में हो तो बोला गया है कि कुंडली वाले की पत्नी नंगे पांव जमीन पे पर पैर ना लगाए, अगर जमीन पे पर पांव लगाएगी तो हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे कुंडली वाले के ऊपर, दूसरा फाइनेंस खराब होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुक्र सिक्स हाउस पे क्यों लिया गया है, शुक्र सिक्स हाउस पे इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर शुक्र सिक्स हाउस में है, वीनस सिक्स हाउस में है तो बुध और केतु का घर है, और केतु जो है वो हमारे पैर, और शुक्र जो है वो पत्नी। अगर पत्नी के पैर अगर जमीन पे लगेंगे, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो जमीन भी है, सिक्स हाउस को जमीन भी कंसिडर किया गया, तो अगर कुंडली वाले की पत्नी अगर अपने पैर जमीन पे लगाएगी तो कुंडली वाले को लॉस होगा,
फाइनेंशियली लॉस। और फाइनेंशियली लॉस क्यों होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे हमारी स्टोरेज लाइक स्टोरेज मनी हमारा जमा था। तो जैसे ही लाइक कुंडली वाला बीमार होगा या उसके व्यापार में दिक्कत आएगी तो पैसा तो जमा पैसा जो है वो खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक रटने वाली चीज नहीं है कि हमने मंगल सिक्स हाउस देखा और हमने बोल दिया कि लाइक बेटे का बर्थडे नहीं बनाना, मीठा नहीं बनाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं बांटना। शुक्र सिक्स हाउस में है तो लाइक जैसे कि पत्नी जो है वो अपने पांव जो है जमीन पे ना लगाए, ये हो गई एक रटने वाली चीज। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, अगर शुक्र और केतु अगर कंजंक्शन में होंगे 1 से 12 भाव में कहीं पर भी तो भी प्रेडिक्शन सेम ही होगा। और अगर मंगल केतु कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए 1 से 12 हाउस कहीं पर भी तो भी प्रेडिक्शन सेम ही होगा। चाहे आप आजमा के देख लीजिए, अगर मंगल केतु इकट्ठे हो गए एक साथ तो भी सेम प्रेडिक्शन है, और शुक्र केतु इकट्ठे हो गए तो भी सेम प्रेडिक्शन है। तो यहां पर आपको ग्रह को समझना है, ग्रह की नेचर समझनी है कि कौन से हाउस में बैठा हुआ है। वो अपने अपने एनिमी के हाउस में है, अपने फ्रेंड के हाउस में है। अब जैसे कि मंगल और सूर्य, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मंगल जैसे कि फर्स्ट हाउस में हो तो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो उसका खुद का घर है और सूर्य का पक्का घर है, उसके मित्र का घर है। तो अगर मंगल और सूर्य अगर इकट्ठे होंगे कुंडली में कहीं पर भी तो भी प्रेडिक्शन सेम ही होगी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एक मैं बताना चाहूंगा। सर मैं कल से एक दो बुक में ये पढ़ा कि मंगल हो तो अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, पर जो आपने समझाया ना वो तासीर से और पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया ना, तो ये अभी है ना परमानेंट माइंड में फिट हो गया कि ये हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि इसको ऐसे करना है। और आपने जो बोला कि ये रटने वाली चीज नहीं है वो भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जैसे किसी का भी आप मंगल सिक्स हाउस में देखो तो यस प्रेडिक्शन सेम ही है, लेकिन मंगल केतु कंजंक्शन में है तो भी प्रेडिक्शन सेम ही है। अगर शुक्र केतु कंजंक्शन में है तो भी प्रेडिक्शन सेम ही है। कोई भी ग्रह बैठा लीजिए। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, अब जैसे कि सिक्स हाउस की बात हो रही है, सिक्स हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे कि सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि सिक्स हाउस जो है वो बुध और केतु का घर है और केतु पैर है। तो अगर कुंडली वाला अपने पिता के पैर छूता जाएगा तो उसका फाइनेंस ग्रो करता जाएगा। अगर कुंडली वाला जैसे मान लीजिए लाइक मंगल को ले लेते, अगर मंगल सिक्स हाउस में हो तो अगर कुंडली वाला अपने भाई के पैर छूता जाएगा तो फाइनेंस ग्रो करता जाएगा, क्योंकि केतु पैर है, फाइनेंशियली ग्रो करता जाएगा और साथ में उसका मंगल बद भी मंगल नेक में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जुपिटर को ले लीजिए, जुपिटर खराब होता है सिक्स हाउस में, लेकिन कुंडली वाला अगर अपने दादा पिता के पैर छूता रहेगा तो फाइनेंशियली ग्रो करता जाएगा। ट्रेवल से रिलेटेड कभी कभी धोखा नहीं होगा, बुध का घर है व्यापार बढ़ता जाएगा। मतलब सब हम लोग को तासीर पकड़ना है कि बुध और केतु yes. इस हाउस के सिग्निफिकेटर है और जो भी प्लेनेट वहां आएगा तो उसके हिसाब से चलना है। मतलब हम लोग को वो मेन सिग्निफिकेटर को ध्यान में रखना है। सर यही एक्चुअली मैं कल से ये सोच रहा था, पर अभी जो आपने ये बताया ना ये अभी माइंड में सेट हो गया। और कोई बोलना चाह रहा था शायद जी? हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। अभी देखो हो सकता है ऐसी आ जाए, मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, केतु शुक्र बैठा हुआ है सिक्स हाउस में और केतु का घर है, केतु पैर है, तो क्या कुंडली वाले को अपनी पत्नी के पैर छूने चाहिए? जी सर यही क्वेश्चन था। थैंक यू। यस बिल्कुल छूने चाहिए, बिल्कुल छूने चाहिए। अगर कुंडली वाला अपनी पत्नी के भी पैर छूता जाएगा तो कभी लाइफ में फाइनेंशियली डाउनफॉल नहीं आएगा, लेकिन होता उल्टा है वैसे। सर मून के मदर के पैर छूता जाए? यस यस बिल्कुल जी। आप उस हाउस की नेचर पकड़ लीजिए,
और उस हाउस के ग्रह पकड़ लीजिए कि कौन कौन से, ये हाउस जो है वो कौन कौन से ग्रह कौन करता है, जैसे कि बुध है, केतु है, बुध और केतु को पकड़ लीजिए, बुध व्यापार व्यापार पकड़ लीजिए और केतु जो है लाइक पैर पकड़ लीजिए, पैर देख लीजिए उसके, और केतु जो है लाइक ये लड़का है, बेटा है कुंडली वाले का, और एट्रीब्यूट्स पकड़िए, मतलब कि एट्रीब्यूट्स हमें याद हो। बट इसमें सर जैसे बोलते हैं अगर किसी का दादा पिता नहीं हो तो दादा पिता तुल्य भी किसी को किसी के आशीर्वाद दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा सिक्स हाउस में, अब कुंडली वाले की माता नहीं है तो माता तुल्य कोई भी औरत, माता तुल्य कोई भी औरत अगर उसके पैर छूता रहेगा तो कभी भी फाइनेंशियल डाउनफॉल नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ जिसका शुक्र सिक्स हाउस में अपनी अपनी पत्नी के पैर छूने स्टार्ट करता, और फिर देखो कमाल। सर राहु से हम अपने इन-लॉज को देखेंगे? यस, अगर राहु सिक्स हाउस में है तो अपने लाइक अपने ससुर जी के पैर छूते रहिए, उनसे उनसे कभी कभी लाइक लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। आपका आपका राहु हमेशा अच्छा है। जी जी, थैंक यू सर। बुध जैसे बहन हो गई, बेटी है, बुआ है, मौसी है, कुंडली वाले के अगर अगर जैसे कि बेटी है तो बेटी के पैर भी छूए जा सकते हैं। लेकिन सर अगर किसी का, सॉरी सर, थैंक यू सर। सर अगर किसी का केतु है और कोई अनमैरिड है, तो अभी वो अनमैरिड ही है तो हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं? केतु आप किसको ले रहे हैं? सिक्स हाउस में सर जिस तरह हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना कि हम जुपिटर से दादा को देखे, मून से मदर को देखे, पैर छूते जाए, तो अगर केतु किसी का बैठा है लेकिन वो अनमैरिड है पर्सन, अगर हाँ अगर केतु अकेला ही हो गया तो फिर नहीं, पैर छूने की यहाँ पर फिर शर्त नहीं है क्योंकि केतु फिर सिक्स हाउस में था, नीच का हुआ। जी सर, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने लाइक जैसे कि केतु ने सिक्स हाउस के ऊपर और राहु ने ट्वेल्थ हाउस के ऊपर कब्जा कर रखा है, इनको हम इनके पक्के घर कहते हैं क्योंकि ये पाप ग्रह है और पाप ग्रह का काम है लाइक ये पाप फैलाना, तो मतलब इन्होंने जो है नाजायज कब्जे कर रखे, इसलिए अपने अपने घरों में ही खराब होते हैं। 12th हाउस का राहु खराब है और 6th हाउस का केतु खराब है। अब जैसे आपने एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, जैसे आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा कि मंगल अगर 6th हाउस में हो तो सूर्य उच्च फल का हो जाएगा, सुना है? अगर केतु जैसे कि 1st हाउस में हो तो सूर्य उच्च फल का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो लाइक कब होगा, जब कुंडली वाले के बेटा कायम हो जाए। ऐसे हम लाइक किसी का भी मंगल सिक्स हाउस में देख करके ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका तो सूर्य उच्च का है, हमें हमें पूछना है कि आपके बेटा है, अगर उनके बेटा कायम है तो बिल्कुल लाइक सूर्य जहां पर भी होगा उच्च फल का ही होगा, चाहे वो 8th हाउस में कितना ही खराब हो रहा वो उच्च फल का ही होगा। वैसे ही अगर केतु 1st हाउस में हो तो जब तक कुंडली वाले की लड़का कायम नहीं होगा तब तक सूर्य उच्च का नहीं होगा, और जैसे ही लड़का कायम हो गया वैसे ही केतु उच्च फल का हो जाएगा, सॉरी सूर्य उच्च फल का हो जाएगा। तो सूर्य जहां पर भी बैठा होगा अपने उच्च अपना उच्च फल ही देगा, और ये अपने उच्च फल कहां पर देते हैं, लाइक सूर्य की जड़ में। सूर्य की जड़ जो है वो लाइक खाना नंबर 5 है, 5th हाउस में सबसे पहले उसका असर जो है 5th हाउस पे जाएगा, और उसके बाद में सूर्य जहां बैठा होगा वहां पर, मतलब कि कुंडली वाले को 5th हाउस के भी अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जहां सूर्य बैठा होगा वहां पर भी वहां के भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसमें दृष्टि संबंध का नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई दृष्टि संबंध कोई मतलब क्योंकि रूल है सो लाल किताब में रूल, बस हमें रूल ही तो फॉलो करनी है और बस ग्रामर हमारी जो है लाइक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी, लाल किताब में सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की तासीर समझिए और हाउस के एट्रीब्यूट्स, बस और कुछ नहीं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? वर्मा जी आप म्यूट है। सर अगर शनि 6th हाउस में हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, और शनि ग्रह जो है जो इस तरह का है तो
उसके लिए जो भी जरूरी उपाय सावधानियां है मतलब उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जैसे कि मान लीजिए शनि सिक्स हाउस में है तो आपको पता है कि शनि सिक्स हाउस से उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है, तो सेकंड हाउस में सिर्फ और सिर्फ बुध केतु को छोड़कर के जो भी ग्रह होगा उसको उड़ा देगा, उसको खराब कर देगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, अगर सेकंड हाउस खाली भी है, मान लीजिए अगर सेकंड हाउस खाली भी है तो भी जुपिटर खराब हो गया। अगर सिक्स हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और सेकंड हाउस खाली है तो भी जुपिटर खराब हो गया, जहां पर जुपिटर बैठा होगा वहां पर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर का पक्का घर है सेकंड हाउस, 2, 5, 9, 11, 12 तो सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रही है उसकी, तो यहाँ पर लाइक जुपिटर वैसे खराब हो गया चाहे सेकंड हाउस खाली हो। अगर जैसे कि सैटर्न, जैसे कि अगर शनि सिक्स हाउस में हो तो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाइए, शनि बैठा हुआ कहाँ है छोड़ दीजिए, वो अच्छा या बुरा है, शनि बैठा हुआ है बुध के घर में, शनि बैठा हुआ है केतु के घर में। अगर कुंडली वाला जैसे कि चमड़े के जूते पहनेगा, क्योंकि चमड़ा जो है लेदर जो है वो सैटर्न है और हाँ और पैर जो है वो केतु, तो अगर चमड़े के जूते पहनेगा, लेदर के जूते पहनेगा, शूज पहनेगा, स्लीपर पहनेगा तो सैटर्न खराब, तो फिर सैटर्न खराब रिजल्ट ही देगा। और आपको पता है कि सैटर्न जो है सिक्स हाउस से बैठ करके सेकंड हाउस को भी देखता है, सैटर्न जो है वो सिक्स हाउस से बैठ करके ट्वेल्थ हाउस को भी देखता है। तो अगर कुंडली वाला लेदर के शूज या लेदर के स्लीपर अगर यूज करता है डेली रूटीन में तो झगड़े शुरू हो जाएंगे सैटर्न और केतु के, और जब वो ट्वेल्थ हाउस को देखेगा तो कोर्ट कचहरी जैसे मैटर खड़े कर देगा या फिर कारोबार में हानि क्रिएट कर देगा, क्योंकि शनि कारोबार है। और जब भी आपको कारोबार देखना हो तो बुध को देखिए, चंद्रमा को देखिए और शनि को देखिए और शुक्र को भी देखिए। सर ये वर्षफल और जन्म कुंडली दोनों से देखना होगा? बिल्कुल 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 आपको दोनों से देखना होगा। एक इसमें बस एक चीज और एड ऑन कर देता हूँ कि अगर सिक्स हाउस में सैटर्न आ जाए वर्षफल में जी, और अगर कुंडली वाले की किसी प्रकार से जॉब चली गई तो जब तक उसका वर्षफल नहीं जाएगा, मतलब कि जब तक शनि सिक्स हाउस से नहीं जाएगा तब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसके इसमें तो हमें उपाय करना पड़ेगा। और सिक्स हाउस शनि में उसको फिर लेदर से रिलेटेड कोई गिफ्ट लेने देने भी नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल लेदर का कोई भी गिफ्ट लेना मना है। जैसे कि कोई फीमेल हो तो लाइक कोई लेदर की कोई सैंडल वगैरह या पर्स वगैरह कभी कभी गिफ्ट में ना, कभी भी गिफ्ट में ना, मेल के लिए भी जैसे कि कोई लेदर का पर्स है या लेदर शूज है इस तरीके का कुछ भी लेदर का सामान कभी भी गिफ्ट नहीं लेना जिसका भी सैटर्न सिक्स हाउस में, शनि सिक्स हाउस में है या वर्षफल में लाइक सिक्स हाउस में है। कर सकता है क्योंकि केतु के घर में बैठा हुआ है और केतु जो है लाइक जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन दे सकता है, पेशाब की नली में दिक्कत दे सकता है। सैटर्न सिक्स हाउस तो ये किडनी स्टोन भी दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, लेकिन सैटर्न अकेला किडनी स्टोन नहीं देता है, केतु साथ में हो। नहीं लाइक कभी भी लाइक सैटर्न जो है वो नहीं देगा लाइक किडनी स्टोन जो दिया करता है जुपिटर दिया करता है। सर यहाँ पर भी हम शनि और केतु को एक साथ ही पढ़ेंगे ना? यस यही समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप मान लीजिए कि अगर किसी का भी शनि केतु एक साथ है तो भी अभी जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो सेम ही प्रेडिक्शन होगा, चाहे एक से ट्वेल्थ हाउस कहीं पर भी शनि केतु इकट्ठे हो पाप क्रिया हो गए। बिल्कुल पापी हो गया शनि, वैसे भी सिक्स हाउस में आकर पापी हो गया क्योंकि केतु के घर में बैठा हुआ है, केतु की जड़ में बैठा हुआ है तो शनि वैसे भी पापी हो गया। अब आप शनि केतु को आप कहीं पर भी
कहीं पर भी ले लीजिए, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहीं पर भी ले लीजिए। ऐसे व्यक्ति को लाइक लेदर शूज पहनना, लेदर केस लाइक कोई पर्स वगैरह कैरी करना मना है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की हानि लाइक होती रहेगी। सर अगर किसी की कोई बाध्यता हो, कोई ऐसा प्रोफेशन हो जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह हो जी, ऐसे शूज वगैरह पहनने होते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? ना ना नहीं सर, ड्रेस कोड वगैरह में चलता है। अगर अच्छा। अगर जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी का ड्रेस कोड ही ऐसा है, अब जैसे कि सूर्य अगर 10th हाउस में हो या जुपिटर 10th हाउस में हो तो मना किया जाता है कि काला नीला ना पहने। लेकिन अगर किसी का ड्रेस कोड ही है तो वो एक देशकाल परिस्थिति है, वो आप पहन सकते हो, लेकिन डेली रूटीन में नहीं पहनना आपको, अपने घर पे नहीं पहनना। बहुत अच्छा बताया आपने, ये हमें पहली बार इतनी रोचक जानकारी मिली है, इतना उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। और शनि छह वाले को स्पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज भी नहीं करनी चाहिए, मतलब वो भी उसको फलदायी नहीं होगी बिजनेस अगर करेगा तो। ऐसा सिक्स्थ हाउस सैटर्न वाला नहीं सर, बिजनेस कर सकता है। एक अकेला ग्रह कभी भी ऐसे लाइक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, एक अकेला ग्रह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उसके लिए हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यस यस प्रॉब्लम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर शनि के साथ राहु होगा तो समस्या कर सकता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ज्यादा, क्योंकि दोनों ही पापी ग्रह हो गए। सर जैसे ये वर्ष फल में आ रहा है शनि सिक्स्थ हाउस, तो मैं उससे पहले ही अगर लेदर शूज वगैरह सब कुछ खरीद लूं तो हम लोग मतलब एक प्रिकॉशन की तरह के नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं लेना है, मतलब वर्ष फल में आ रहा है शनि सिक्स्थ हाउस, तो ये प्रिकॉशन कर सकते हैं सर? बिल्कुल प्रिकॉशन कर सकते हैं, लेकिन पहनना तो फिर भी मना है। अच्छा पहनना तो मना है, पहनना मना है। रेक्सिन पहन सकते हैं? अच्छा रेक्सिन पहन, यस रेक्सिन पहन, रेक्सिन पहन सकते हैं। अब लेदराइट ले लीजिए, लेदराइट ले सकते हैं। हां स्पोर्ट्स शूज भी चलेंगे ना सर? हां स्पोर्ट्स शूज चलेंगे, उसमें नहीं आता है बिल्कुल लेदर, उसमें आता नहीं। इसको अकेजनल पहन सकते हैं, मतलब रेगुलर पहनना मना है, अकेजनल कभी तो पहन सकते हैं, कभी कभार पहन सकते हैं, कभी कभार पहन सकते हैं, कुछ का कोई दोष नहीं है, फिर भी क्यों रिस्क लेते हो सर? राइट सर, क्योंकि सैटर्न है लाइक 12th हाउस देख रहा है, अचानक कोई ना कोई घटना क्रिएट कर ही देगा। बिल्कुल सही सर, मेरा वर्षफल में 6th हाउस आया था लाइक सैटर्न, तो लाइक अगर स्लीपर अगर खराबी हो गई ना तो मैंने उसको ठीक नहीं करवाई, जैसी है जैसी है चलने दो, जैसा है वैसा चलने दो, जब वर्षफल चेंज होगा तभी खरीदे। अब जैसे कि एक चीज और है, सैटर्न सिक्स्थ हाउस बुध का घर है, और बुध क्या है? म्यूजिक है। और अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति जो है लाइक गाना गुनगुनाने के शौकीन होते हैं, देखा होगा आपने कि जिसका भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा, शनि पहले घर में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है गाने गुनगुनाने का शौक होगा, और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा उसके लिए मना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस से सेवेंथ हाउस को देख रहा है, सेवेंथ हाउस जो है वो बुध का घर है, और अगर शनि सिक्स हाउस में होगा, छठे घर में होगा, तो वो भी बुध का ही घर है, तो ऐसे व्यक्ति को भी गाना गुनगुनाना मना है। अगर ऐसे व्यक्ति जैसे कि अगर ज्यादा गाने गुनगुनाते हैं, जैसे आशीष जी का एक केस था, ये शायद हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैंने उनको ये कहा था कि इनको मना करिए कि गाना अपने घर में गाने गुनगुनाना बंद करें, तो आशीष जी ने कहा था कि वो तो लाइक स्टेज पे गाना गाते हैं। मैंने कहा फिर कहां से फाइनेंस हुआ है? कल भी किया उन्होंने शो, कल भी किया, 4 तारीख को भी शो किया मना करने के बावजूद, तो फिर वहां कैसे फाइनेंस होगा? क्योंकि गाना जैसे लाइक शनि फर्स्ट वाला
या शनि सिक्स हाउस वाला अगर गाने गाने गुनगुनाएगा या स्टेज शो करेगा तो लाइक फाइनेंशियली आनी होगी होगी, क्योंकि जैसे बुध से संबंध बनाएगा उसको उसको गाना गाना बनाए, जैसे बुध से संबंध बनाएगा उसको गाना गाना बनाए। अब चाहे कहीं से भी दृष्टि संबंध हो जाए, शनि एक में हो तो चाहे बुध साथ में हो या ना हो, लेकिन सेवेंथ हाउस जो है वो बुध और शुक्र शुक्र का घर है, तो बुध की प्रेजेंस तो वहां पर मानी ही जाएगी। वैसे अगर शनि छठे घर में बुध वहां है या नहीं है, लेकिन लेकिन बुध की प्रेजेंस तो वहां पर मानी जाएगी, तो दोनों को ही गाना गाना मना है। और दूसरा अगर किसी का भी सैटर्न और बुध कंजंक्शन में आ जाए तो उसको भी गाना गाना मना है। अगर गाने गुनगुनाएगा तो फाइनेंशियली क्रैसेस आते रहेंगे, क्योंकि याद रखिए शनि कारोबार है। अगर अगर कारोबार बढ़ाता है तो शनि कारोबार बढ़ाता है। अपना शनि ठीक रखिए। चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर गाना बुराई नहीं है क्या? सर गाना अगर वो सुनता है, हाँ सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुनने में कोई दिक्कत नहीं, गुनगुनाना गुनगुनाना में दिक्कत है। हाँ, गुनगुनाओगे मुंह से आवाज आएगी, हमारे मुंह में दांत होते हैं, दांत जो है वो बुध है, कहीं ना कहीं शनि शनि कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल सही, बहुत उत्कृष्ट आपने अभी अभी बताया, ये ऐसा कोई बताता नहीं है, आपने बहुत उम्दा चीज बताई है कि बुध से जो आपने शनि को रिलेट किया है बहुत ही मतलब इतनी है कि एकदम से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं करना है, ऐसी सावधानी क्यों चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गाना बंद करवा दिया सर ने। सर मेरा शनि फर्स्ट हाउस में है, आज से गाना बंद हो गया मेरा। बोलिए बोलिए आशीष जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर, मैं क्या बोल रहा था, कि हम जैसे कोई चीजों का दान करते हैं, जैसे रेड से रिलेटेड या ऑरेंज रिलेटेड, तो उसमें अपन जैसे ऑरेंज कलर की गाजर आती है, तो हम उसका भी दान कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें शेप का कोई लेना देना नहीं है? कोई शेप का लेना देना नहीं है, जो भी जमीकंद है, जो भी जमी के नीचे उगता है वो सब शुभ है। गाजर है, मूली है, जो भी है, लाइक जमीकंद है, जो जमी के नीचे होता है, आलू है, शुक्र है। आप आलू का दान कर सकते हैं, गाजर का दान कर सकते हैं, मूली का दान कर सकते हैं, वो सब शुक्र की चीज है। शुक्र जो है वो जेल है, जैसे हम सिर में जेल लगाते हैं ना, तो जेल भी शुक्र है। अच्छा, कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें जेल की क्वालिटी हो, नहीं तो फिर जैसे ग्वार पाठा होता है, एलोवेरा, एलोवेरा भी जेल है लेकिन वो तो ऊपर उग रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी शुक्र का आइटम है, क्योंकि उसमें आप तोड़ोगे तो उसमें जेल जेल जो है वो लाइक जेल क्वालिटी टपकती है उसमें, तो वो बुध नहीं होगा पेड़, ग्रीन कलर बुध नहीं होगा। ना ना ना, ग्रीन है वो, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, बुध शुक्र कॉम्बिनेशन। आई थिंक ये जो चीजें है ना, ये समझ में अगर आप आई तो वो लॉजिक लगा सकते हैं फिर आप हर चीज। बिल्कुल, आप बस इतना सा समझिए कि जिस भी चीज में जेल की क्वालिटी है वो शुक्र है। अब जैसे कि आपने ये भी सुना होगा, जिसका भी शुक्र सिक्स हाउस में हो तो नंगे पांव जमीन जमीन पे नहीं चलना है कुंडली वाले की वाइफ को, ये आपको आज समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा ही बोला गया है कि अपने बालों में जो है लाइक सोने की क्लिप लगाए, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आती है लाइक सेकेंड हाउस, और जुपिटर गोल्ड, और जुपिटर का काम है बढ़ाना, और जैसे शुक्र जो है वो हमारा जैसे कि स्टोर इज मनी या हमारी लग्जरी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसको बढ़ा देगा। अगर जैसे कि शुक्र सिक्स हाउस वाला व्यक्ति, जिसका भी शुक्र छठे छठे घर में हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ के कहने अनुसार चलता है तो हमेशा लाइक ग्रोथ बनी रहे, हमेशा ग्रोथ बनी रहे। वैसे जैसे कि लेकिन जैसे कि शुक्र जो है वो एक पांच और नौ सॉरी एक छह नौ में मंदा है, खराब होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सावधानी यही है, जैसे अभी मैंने कहा कि लाइक इसको पैर से कनेक्ट कर लीजिए,
तो शुक्र शुक्र सिक्स हाउस वाला पत्नी के पहुंच गए, और फिर देखिए फाइनेंस वाइफ का अगर कहना मानेगा फाइनेंस ही फाइनेंस, मतलब उसको शुक्र के अनुसार चल रहा है। क्लियर हो गया सर आज काफी, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि सर बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हो तो ये है, पर क्लियर नहीं होता है कि ये क्यों होता है हम लोग को वो बस उसकी लाइक बस इतना सा है सर, हाउस के एट्रीब्यूट्स और कौन से हाउस को कौन सा ग्रह ऑन कर रहा है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बस उसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि आप जैसे कि इंसान है, इंसान इंसान ही रहेगा, पक्षी नहीं बन सकता, गाय नहीं बन सकता, लेकिन जहाँ अगर उसकी प्लेसमेंट जहाँ जहाँ होगी वहां वहां उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, अपने ऑफिस में होगा तो उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, बॉस जैसा कहेगा वैसा करना ही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि नौकरी करनी है, लेकिन अपने घर पे होगा तो चाहे एक पानी का ग्लास उठा के उठा करके इधर का इधर इधर ना रखता हो, वहां पर उसकी तासीर चेंज होगी। लाइक किसी हॉस्पिटल में है तो दिल की धड़कने बढ़ी हुई है क्योंकि हॉस्पिटल है, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर हो गए तो वहां पर तासीर चेंज हो गई। इंसान तो वही है, वैसे ही प्लेनेट प्लेनेट वही रहेगा, तासीर चेंज हो जाएगी, जिस घर में बैठेगा उस घर में तासीर चेंज हो जाएगी। नहीं बट जैसे सर आपने अभी बताया था एक केस में कि अगर सैटर्न 6 में है और 2 में अगर कुछ नहीं है तो भी जुपिटर खराब होगा, तो कई बार तो हम कंसीडर करते हैं कि अगर उसका पक्का घर है तो खराब होगा या उसके पक्के घर के एट्रीब्यूट के हिसाब से खराब हो जाएगा, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि नहीं मानेंगे हम उस चीज को, तो वो रूल्स कैसे याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानिएगा, और इसको प्रैक्टिकली यूज करिएगा सर, इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, किसी का भी सैटर्न सिक्स हाउस में है और सेकंड हाउस खाली है उसका आप जुपिटर देखिएगा, जुपिटर खराब मिलेगा, चाहे जुपिटर की जुपिटर सेकंड हाउस में हो या ना हो, क्योंकि उसका पक्का घर है। सैटर्न जो है वो यहाँ पर सिक्स हाउस में खराब है, मंदा है, और उल्टी दृष्टि है ये, और उल्टी दृष्टि हमेशा खराब ही होती है, उल्टी दृष्टि हमेशा खराब होती है, तो इस केस में जुपिटर आपका डैमेज हो ही जाएगा, सॉरी कुंडली वाले जिसका भी सिक्स हाउस, और ऐसे व्यक्ति को सबसे खास हिदायत है जिसका भी शनि सिक्स हाउस में हो, छठे घर में हो, कि अगर वर्चुअल में आ जाए तो जॉब चेंज नहीं करना, जैस जहाँ है वहां पर बना रहे, क्योंकि अगर इनकेस अगर जॉब चली गई या अगर खुद ने डिप्रेशन में आके जॉब छोड़ दी तो पूरे साल जॉब नहीं मिलेगी जब तक कि सैटर्न सॉरी वर्चुअल चेंज नहीं मिला, सैटर्न सिक्स हाउस से जब तक नहीं निकलेगा तब तक जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा हूँ, और किसी भी चार्ट पे लगा लीजिए, आपको ऐसा ऐसा व्यक्ति यही यही बोलता हुआ नजर आएगा कि लाइक इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, इंटरव्यू दे रहा हूँ क्लियर नहीं हो रहा, और जिसका और वर्चुअल में सिक्स हाउस में सेटल आ जाए, तो उपाय उपाय से ज्यादा अच्छा होगा कि ग्रहों की तासीर पकड़ के प्रिकॉशंस ले लें, प्रिकॉशन ज्यादा ज्यादा लाइक बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल है। अब जैसे कि सूर्य 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 10th हाउस में हो, जुपिटर 10th हाउस में हो, काला नीला पहनना मना है, मत पहनिए काला नीला पहनोगे राहु राहु मंगल पद और शनि का इफेक्ट आ जाए। अभी जैसे सैटर्न सैटर्न और राहु अगर सेकंड में है और 6 खाली है तो इसमें तो कोई उल्टी दृष्टि आई नहीं, नहीं आई, लेकिन लेकिन शनि पापी हो गया राहु के साथ बैठा है, तो वो भी नौकरी छोड़वाएगा? ना ना जरूरी नहीं, नहीं नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं नौकरी छुड़वा दे, लेकिन आप ये देखिएगा कि जिसका शनि और राहु अगर जैसे कि कंजंक्शन में हो तो आपको उनके शरीर के ऊपर एक लाइक ए बर्थ मार्क मिलेगा, काले रंग का तिल मिलेगा, जिसका भी शनि राहु इकट्ठा है, दृष्टि की बात नहीं हो रही, जिसका भी शनि राहु कंजंक्शन में आ जाए एक फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहीं कहीं पर भी, तो लाइक उनके शरीर पे आपको जो है बर्थ मार्क मिलेगा, काले रंग का एक तिल मिलेगा, साइज में बड़ा हो सकता है, आप उसके ऊपर अंगूठा लगाइए, अगर तो वो अंगूठे के अंदर अंदर है तब तो कोई कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो हम बच गए, और अगर तो वो अंगूठे से बाहर जा रहा है तो फिर लाइक फाइनेंशियल दिक्कत देगा, फिर हमें शनि शनि को राहु से अलग करना पड़ेगा।
उस केस में फिर हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। जी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आया सर, बहुत बहुत चीजें, ये लॉजिक में ही मजा आता है आपके साथ समझने में, बिकॉज आपको ढंग से बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मे भी प्रैक्टिस जब करेंगे ज्यादा तो उसमें फिर और खुद के लॉजिक भी बनाने में बिल्कुल जैसे ये बैटिंग वगैरह है ना, ये बैटिंग वगैरह पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जैसे कि आप जैसे कि अभी जैसे मार्केट में सुनने को मिलता है बैटिंग, है ना, ये बैटिंग आप खुद बना सकते हो आराम से, आप खुद आराम से बना सकते हो। अभी जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे और हमारी जैसे क्लासेस है उसके अंदर बहुत अच्छा बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जी जी सर, बैटिंग बनाना आपको खुद को आ जाएगा और आप लाइक देश काल परिस्थिति के अनुसार कह सकते हो नेटिव को कि आपके घर में ऐसा हो रहा होगा और बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। जी सर।